ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। ऐसा ही कुछ हकीकत में इंसानियत समिति के साथ घटित हुआ है, उसी आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य, आजकल के लोगों को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना भी समय नहीं है कि वो लोग 2 मिनट मानवता के लिए निकाल सकें, ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को देखकर उनके अंदर भी इंसानियत जागे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस फिल्म को अंत तक जरूर देखें। मेरे यहाँ पर एक कुत्ते की कंडीशन बहुत सीरियस है, तो आप लोग आ सकते हैं क्या? जी सर, हमारी टीम अभी पहुँचती है। ये किससे मिलना है आपको? हम लोग इंसानियत समिति से हैं। तुम्हारे साहब का फोन आया था, तो उनसे मिलना है हम लोगों को। आइए अंदर आइए, मैं साहब को बुलाती हूँ। साहब। हाँ। इंसानियत समिति से कुछ लोग आए हैं। उनसे बोलो मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो सर, हम लोग इंसानियत समिति से हैं। वो कुत्ता कहाँ है, किस कॉलोनी में है? हाँ हाँ, ये रहा गुड डॉग। एक्चुअली मेरा ऑफिस है, मैं लेट हो रहा हूँ, आपको इसका ट्रीटमेंट कर देना। ओके प्रीति, मेरी फाइल किधर है? मैं लेट हो रहा हूँ। ये रही आपकी फाइल। सर ये तो आपका पालतू डॉग है। अरे तो क्या हुआ, आई हैव वेरी बिजी शेड्यूल। मैं आप लोगों की तरह फालतू थोड़ी ना हूँ, आई एम बिजनेसमैन। मेरे पास ऑफिस है, फैमिली है और मेरे पास इन कामों के लिए समय नहीं है। चलो मैं निकलता हूँ। ओके, आपको इसका ट्रीटमेंट कर देना। हेलो सर, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगा आपसे। माय नेम इज अनिकेत इंसानियत एंड आई एम आल्सो नॉट अ यूजलेस पर्सन। आई एम आल्सो वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड दिस इज माय आईडी कार्ड एंड इवन आई डोंट हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम। सर, दूसरों के काम आने वाले लोग फालतू होते हैं या दूसरों के दुखों में शामिल होने वाले लोग फालतू होते हैं? माफ कीजिएगा लेकिन फालतू तो मुझे इस वक्त आप नजर आ रहे हैं सर। अरे अरे, क्या बकवास किए जा रहे हो आप? मैडम ये बातें आपको बकवास लग रही हैं? आप दोनों के पास 2 मिनट का समय नहीं है? अरे जरा सोचिए, कल जब आप अपने बच्चे के साथ कार से जा रही हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप तड़प रही हैं, लोगों से भीख मांग रही हैं और कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता, कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता, उस समय आपको कैसा लगेगा? उस समय आप सिर्फ यही कहेंगी कि समाज में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, सब दौड़े जा रहे हैं, कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता, उस समय आपको कैसा लगेगा? और आप, क्या जीवन है आपका? सारा दिन दौलत के पीछे दौड़ते रहते हो और एक दिन इसी तरह मर जाओगे। सर ये सब सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, सिर्फ 4 दिन। क्या पता कल जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलो तो 100 की स्पीड से आता हुआ ट्रक आपको टक्कर मार जाए और भगवान ना करे आपको एक ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार होना पड़े जिसका कोई इलाज ही ना हो, उस वक्त कौन सी दौलत और शोहरत आपके काम आएगी? सर मौत किसी भी वक्त आपके सामने दस्तक दे सकती है और कौन सी ऐसी साइंस है जिसने मौत को जीत लिया हो? आपके पिताजी ने कितना पैसा कमाया था, सारा जीवन पैसे के पीछे दौड़ते रहे लेकिन उनके मरने के बाद उनका सब कुछ यहीं रह गया और एक दिन इसी तरह आपका भी इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा और मौत के उस वक्त ना आपका ये ऑफिस काम आएगा ना आपका ये परिवार। अगर कोई काम आएगा तो वो होंगे आपके अच्छे कर्म और आपकी इंसानियत। सर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों के बाद हमें इंसान का जीवन मिलता है और इंसान का जीवन मिलने के बाद हम इस शरीर में इतने मगन हो जाते हैं कि इंसानियत के लिए ही हमारे पास समय नहीं होता। सर तो फिर इन जानवरों और हम इंसानों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है सर, और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक ऐसे कार में बिजी हूं जो मेरे खुदा को पसंद है और आप एक ऐसे कार में बिजी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद है। चलिए
और हाँ सर, कभी भी अपने इस कीमती समय से थोड़ा सा इंसानियत के लिए निकाल कर इन बेसहारों को सहारा देकर देखिए सर, खुशी मिलती है सर, खुशी मिलती है। कभी भी अपने इस कीमती समय से थोड़ा सा इंसानियत के लिए निकाल कर इन बेसहारों को सहारा देकर देखिए सर, खुशी मिलती है सर, खुशी मिलती है। सर आप यहाँ क्या रुक गए? आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। राजू, उस दिन इंसानियत वाले बंदों ने मुझे एहसास दिला दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई मीटिंग नहीं होती। राजू, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा और इंसानियत का फर्ज अदा करूंगा।